डेयरी विजिट। चलो देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। ये दूध है या पानी? दूध में मिलावट बढ़ती ही जा रही है। इस दूध वाले को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा, लेकिन कैसे? अंकुश, सैटेलाइट बाबा। नहीं, हमारे दूध में बिल्कुल मिलावट नहीं है। अभी देखते हैं। मेरे दोस्त ने ये स्पेशल बैरोमीटर दिया है। इतनी मिलावट है? हमको कुछ नहीं पता। अरे हम तो डेयरी से सिल्क पैक कंटेनर लाते हैं। देखो। हाँ, मिलावट का राज डेयरी में ही पता चलेगा। अरे कल स्कूल की तरफ से हमारी डेयरी विजिट है, तुम भी चलना। आवा, वेलकम टू फन्नीपुरा डेयरी। स्टूडेंट्स, ये है डेयरी के मालिक मलाईचंद जी। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो इनसे पूछ सकते हैं। अंकल, भैंस का रंग काला होता है, ये चारा हरा खाती है, फिर दूध सफेद कैसे होती है? तो हमने सोचा ही नहीं। कसम गाढ़े दूध की, ये सवाल तो तू भैंसिया से डायरेक्ट में पूछ लेना। आवा, ये है फन्नीपुरा डेयरी। आज हम आप सबको दिखाऊंगा कि गैया का खाती है, गैया का दूध कैसे निकाला जाता है और गैया हमारे लिए कितना फायदेमंद है। ए गैया लोग, बच्चा लोग को हेलो बोलो ना। अरे का करत हो, बेइज्जती कराएगी का? जोर से बोलो ना। अरे मेहमानों का इतना रूखा स्वागत। अरे ओ मन्नू। अरे मन्नू पन्नू हमारे असिस्टेंट हैं। मन्नू पन्नू, अरे हे जल्दी तनिक बच्चा लोग को अपना डेयरी का स्पेशल वेलकम ड्रिंक पिलावा। अभी लावत है मलाई भैया। ये इतनी उदास और कमजोर क्यों है बजरंगी? कहीं ये भूखी तो नहीं? अंकल, मैं गायों को चारा डालूं? हाँ हाँ, कहे नहीं, जरूर डालो। तुम लोगों को तो चारा खिलाना भी नहीं आता, मैं खिलाता हूँ। कमान। यू तो बहुत दिनों से भूखी लगती है। कितने दिनों के बाद हरा चारा खाने मिल रहा है? अब उनके आने से पहले जल्दी जल्दी खा लो। हैं? किनके आने से पहले? अरे ये तो हमारी बात सुन सकता है, सब चुप हो जाओ। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ। कुछ तो गड़बड़ है अंकुश। लो हमारे फन्नीपुरा डेयरी का एकदम ताजा और स्पेशल दूध। अंकुश, ये दूध तो बिल्कुल प्योर है। तो फिर दूध में मिलावट कहाँ होती है बजरंगी? वो सब बाद में, पहले ताजा दूध तो एंजॉय करते हैं। चलो एक दो तीन। ये पहले मैंने खत्म किया। हाँ? इका।
क्या हुआ अंकुश? वो मैं कह रहा था कि इतना टेस्टी दूध था और खत्म भी हो गया। अरे ओ मन्नू, अब बच्चा को एक गिलास और दूध पिलावा। अब मन्नू और पन्नू, आप लोगन को सिखाएंगे कि गैया को चारा कैसे डाला जाता है। ये चारा खिला रहे हैं या दिखाकर ललचा रहे हैं? मन्नू, ये का है? ऐसे चारा खिलावत है? वो का है कि मलाई भैया, चारा खत्म हुई गवा है। का कहा? खत्म हुई गवा? मगर दो दिन पहले ही तो एक ट्रक चारा मंगवाया था। हाँ, वही तो कह रहे हैं भैया, एक सप्ताह का चारा ये लोग एक ही दिन में गटक गवा। अंकल, किसी पे भी हाथ उठाना बुरी बात है। अच्छा, हम का सिकावत हो? डंडा छोड़ो, छोड़ो डंडा। बड़ों की बात को टालते नहीं अंकुश। उठो और जल्दी से जाकर बाल्टी लेकर आओ, हम बच्चा लोग को दूध निकाल कर दिखाऊंगा। हम सब बहुत दिनों से भूखे हैं, ये हमें बहुत कम खाना देते हैं। मन्नू, पन्नू, ओ अच्छा, तो मेरा शक सही निकला। अब हम दिखाऊंगा कि गैया का दूध कैसे निकाला जाता है। हैं, इका, ये तो सबसे ज्यादा दूध देती थी, एकाएक इसको का हो गया? हाँ? अंकल, ये क्या है? इसमें दूध पैक होकर आप सब बच्चा लोगों के घर पहुंचता है। वाह, मलाई अंकल, क्या हम उस कंटेनर से दूध पी सकते हैं? अरे हाँ हाँ, काहे नहीं? नहीं। अरे तुम ही का बात कर रहे हो, मालिक हम है कि तुम, यहाँ हमरी चलेगी। अंकुश, मैंने कहा था कि दूध में कुछ काला है। मलाई अंकल, ये दोनों जब इतना मना कर रहे हैं तो रहने दीजिए, मगर जाने से पहले हम आपका पुराना गोडाउन देखना चाहते हैं। ए छोकरे, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न कर, समझा कि नहीं, वरना कोई पुराना गोदाम देखने को नहीं मिलेगा, समझे? बच्चा लोग से ऐसे बात करते हैं? जाओ, जाकर पुराना गोदाम का चाबी लेकर आओ। हमने बोला नहीं, मतलब नहीं। कसम गाढ़े दूध की, फिर से भूल गए कि यहाँ के मालिक हम हैं? अब हमारा राज खुल जाएगा इस पछवा की वजह से। इसको छोड़ेंगे नहीं। ओहो, लगता है इन्हें छट्टी का दूध याद दिलाने का टाइम आ गया। अरे कसम गाढ़े दूध की, यहाँ तो हम कितना दिन से नहीं आया हूँ।
आप नहीं आए तो क्या हुआ अंकल? ये तो यहाँ रोज दूध और चारा छुपाने यहाँ आते हैं। क्यों अंकल? हम रोज चारा छुपा कर यही रख देते थे और आपसे पहले इन गैयन का दूध हम ही निकाल कर लेते थे और इन गाय के बछड़न को भी दूध ना ही पीने देते थे। बाकी का दूध में मिलावट करके पैक करते थे और पूरा दूध आपसे छुपा कर ही बेच देते थे। अरे इतनी बेईमानी, हम तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। इन्हें पुलिस के हवाले नहीं, गायों के हवाले कर देना चाहिए अंकुश।